सो हाय एवरीवन, होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो यार, हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ हमें अपनी सराउंडिंग में मिल जाती है, तो बहुत सी ऐसी होती है जिन्हें हमें दूसरी जगह या फिर किसी दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ता है, और ये सब पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा हम ट्रैवल करने के लिए भी इसे ही यूज़ करते हैं। प्लस जितना एफिशिएंट एक कंट्री का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा, इवेंचुअली वहाँ उतनी ही तेज़ी से डेवलपमेंट होगी, इसीलिए इन्हें हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन बोला गया है। ठीक है, तो यार अब ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और कम्युनिकेशन काफ़ी इंटरलिंक्ड है, तो अब हम सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में आएंगे रोडवेज, रेलवेज एंड देन पाइपलाइंस। तो सबसे पहले अपन रोडवेज को डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 54.8 लाख किलोमीटर। यार इसके एडवांटेज ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू रेलवेज। प्लस ये बेस्ट है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए एज इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, और यार दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को आपस में ये लिंक करता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रोड। नंबर 1, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो यार इसमें 3 रोड प्रोजेक्ट्स हैं। पहला 66-लेन हाईवे जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट करता है। दूसरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, और तीसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से कनेक्ट करता है। और इनका ऑब्जेक्टिव मेगा सिटीज को कनेक्ट करके टाइम और डिस्टेंस को रिड्यूस करने का था, और ये आते हैं NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर। नंबर 2, नेशनल हाईवे। तो यार ये एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्री को लिंक करते हैं और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD के अंडर आते हैं। तो शेरशाह सूरी मार्ग है NH1 जो कनेक्ट करता है दिल्ली और अमृतसर को, और इसे GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टेट हाईवे। तो ये स्टेट कैपिटल्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करते हैं, और इनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पर। नंबर 4 इज डिस्ट्रिक्ट रोड। तो अब डिस्ट्रिक्ट में मेजर सिटीज़ हैं तो ये उन्हें कनेक्ट करते हैं और इनको मेंटेन करते हैं जिला परिषद। नेक्स्ट वन इज अदर रोड। तो ये रूरल और अर्बन एरियाज को कनेक्ट करते हैं, और ये आते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर। और लास्ट टाइप है हमारा बॉर्डर रोड्स। तो यार एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1960 में, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव था डिफिकल्ट टेरेन वाले एरियाज, फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में रोड्स को डेवलप करने का। इसके अलावा यार रोड्स को उनके मटेरियल के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है मेटल रोड। तो यार मेटल रोड काफ़ी अच्छे मटेरियल, फॉर एग्जांपल कंक्रीट, सीमेंट, बिटुमिनम, कोल, इन सबसे बनाया जाता है, तो ये सभी वेदर्स में सूटेबल होते हैं। और दूसरी होती हैं अनमेटल रोड। तो यार ये कच्चे रोड्स होते हैं, इनमें अच्छे मटेरियल का यूज़ नहीं किया जाता है, और रेनी सीजन में काफ़ी पानी भर जाने की वजह से उस सीज़न में ये सूटेबल नहीं रहती हैं। तो यार अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोड डेंसिटी। तो रोड डेंसिटी होती है द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ अ एरिया, और अब ये डेंसिटी डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहाँ का टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट है, हिली एरियाज में रोड को कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है, इसीलिए वहाँ की डेंसिटी काफ़ी कम है, 12.14 किलोमीटर। और अगर इसी सिनेरियो को कंपेयर किया जाए केरला के साथ, तो वहाँ की रोड डेंसिटी है 517.77 किलोमीटर्स। और अगर हम इंडिया की नेशनल एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं तो वो है 142.68 किलोमीटर्स। तो यार अब हमारा इंडियन रोडवेज सिस्टम काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। आधी से ज़्यादा जो रोड्स हैं वो अनमेल्टेड हैं, तो इनका जो यूजेज होता है वो रेनी एरियाज़ में लिमिटेड हो जाता है। इसके अलावा जो सिटीज़ हैं उनमें रोडवेज काफ़ी कंजस्टेड हो रहा है। तो भले ही ये रोड्स इनएडिक्वेट हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन में एक मेजर रोल प्ले करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक रोडवेज। अब एक अनदर फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन यानी रेलवेज को पढ़ेंगे। तो पहली रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट की गई थी मुंबई से ठाणे, एंड इट वाज ओनली अबाउट 34 किलोमीटर्स। और अगर इसी सिनेरियो को हम आज कंपेयर करते हैं तो इंडियन रेलवेज़ की टोटल लेंथ है 66,030 किलोमीटर्स, और अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे को 16 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है।
तो यार अब जैसे कि हमें पता ही है कि रेलवेज प्रिंसिपल मोड हैं गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो माउंटेनियस और सैंडी एरियाज़ में रेलवे ट्रैक्स को कंस्ट्रक्ट करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है बिकॉज ऑफ द अनइवन टेरेन, प्लस रिवर्स भी बैरियर है इनके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, दैट इज़ वाई हमें वहाँ पर ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा रेलवे ट्रैक की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफ़ी हाई है, और इसमें मेन प्रॉब्लम यार हम पैसेंजर्स ही क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल बिना टिकट्स के ट्रैवल करना और ट्रेन की प्रॉपर्टी को डैमेज करना एट्सेट्रा। सो नेक्स्ट वन इज पाइपलाइन। तो यार पहले इन्हें वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इन्हें ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड से रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल और गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यही नहीं है कि पाइपलाइन से हम सिर्फ लिक्विड और गैस को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आजकल सॉलिड को भी स्लरी में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो यार इसको सेटअप करने की इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई है, लेकिन फर्दर इसके एक्सपेंसेस बैलेंस हो जाते हैं। और इंडिया में 3 इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस हैं। 1 इज़ फ्रॉम असम टू नागपुर, 2 गुजरात टू जलंधर, एंड 3rd इज़ फ्रॉम हजीरा टू जगदीशपुर। अब नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हम वाटरवेज को पढ़ेंगे। तो इंडियन वाटरवेज की टोटल लेंथ है अबाउट 14,500 किलोमीटर्स, प्लस वाटरवेज को सबसे चीपेस्ट, फ्यूल एफिशिएंट और इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। और इनके अलावा यार ये सबसे सूटेबल ट्रांसपोर्टेशन है हैवी और बल्की गुड्स को कैरी करने के लिए। तो 5 मेजर वाटरवेज हैं। 1 बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया, दैट इज़ ऑन गंगा रिवर। 2nd इज बिटवीन सदिया एंड धुरबी, विच इज़ ऑन ब्रह्मपुत्रा। 3 इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ केरला। 4th इज बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा, दैट इज नियर पांडिचेरी। एंड द लास्ट 1 इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट नियर द डेल्टाज ऑफ रिवर महानदी। और यार इन सब के अलावा हमारे पास कुछ इनलैंड वाटरवेज भी हैं, फॉर एग्जाम्पल सुंदरबांस, मांडवी और बैकवाटर ऑफ केरला एट्सेट्रा। तो यार इंडिया का लगभग 95% ऑफ ट्रेड सीज के थ्रू ही होता है, तो इसके लिए हमारे पास 12 मेजर और 187 माइनर सी पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, हल्दिया पोर्ट एट्सेट्रा। तो अब इनके बाद एक लास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता है, दैट इज एयरवेज। तो ये सबसे फास्टेस्ट और कंफर्टेबल मोड है ट्रेवल करने के लिए, कुछ पर्शियबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी इसे यूज़ किया जाता है, प्लस फ्लड जैसी सिचुएशन में रिलीफ ऑपरेशंस में इनका काफ़ी यूसेज होता है। तो 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया गया था, और इंडिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है पवन हंस हेलीकॉप्टर, जो ऑयल और नेचुरल गैस को ऑफशोर एरियाज यानी डिफ़िकल्ट टेरेन वाले एरियाज में ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर। अब इसका डिसएडवांटेज यही है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अभी हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को पढ़ा है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। तो हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग कम्युनिकेशन मोड्स को रेफर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेनली 2 तरह के कम्युनिकेशन मोड्स हैं, दैट इज़ पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। तो पर्सनल में आते हैं मोबाइल फोन्स, व्हाट्सएप, लेटर, ईमेल एट्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ मास कम्युनिकेशन में मीडिया, प्रेस, न्यूज़पेपर या फिर फिल्म्स को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन का मोटिव एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मैसेज डिलीवर करना होता है। इनके अलावा अभी इंडियन पोस्टल नेटवर्क लार्जेस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मेल्स के डिलीवरी को जल्दी करने के लिए 6 मेन चैनल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट आर राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड। तो भाई ट्रेड है क्या? सो ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब यही ट्रेड 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में हो तो वो इंटरनेशनल ट्रेड बन जाता है। अब इस ट्रेड के यार 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सपोज हमने एक गाड़ी मंगवाई यूएसए से, ठीक है, तो यूएसए से अब एक गाड़ी इंडिया आ रही है, तो ये हुआ इम्पोर्ट। जब हम किसी दूसरी कंट्री से कोई गुड या आइटम हम अपनी कंट्री में लेकर आते हैं तो उसे बोलते हैं इम्पोर्ट, विच मीन्स इन। सेकेंड कॉम्पोनेंट इज एक्सपोर्ट यानी एग्जिट, जब कोई आइटम हमने किसी दूसरी कंट्री को सप्लाई किया। और यार इसी से ही हम एक मेजर पोर्शन फॉरेन एक्सचेंज का अर्न करते हैं। तो यार जिस तरह से हमारे घर में सभी एक्सपेंसेस को बैलेंस करके मैनेज किया जाता है, उसी तरह से हमें ट्रेड को भी बैलेंस करना पड़ता है। तो अब हम ट्रेड को बैलेंस करेंगे कैसे?
तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे यानी दूसरी कंट्रीज़ को अपने आइटम्स सेल करेंगे तो हमारा ट्रेड बैलेंस्ड रहेगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा इम्पोर्ट करने लग जाते हैं तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टूरिज्म एज अ ट्रेड। तो जो इंडियन ट्रेड इंडस्ट्री है वो काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है और इसमें लगभग 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली एंगेज्ड हैं। तो इस 15 मिलियन नंबर से ही समझ में आ रहा है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस और कितनी वैल्यू है हमारी इकॉनमी के लिए। इसके साथ साथ ये इंडस्ट्री लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को भी काफ़ी सपोर्ट करती है और 2010 के डाटा के अकॉर्डिंग 5.78 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ने इंडिया विजिट किया था और इंडिया फेमस है एज अ टूरिस्ट स्पॉट फॉर इट्स रिच हेरिटेज। प्लस ट्रेड के अलावा ये एक मेन सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का और 2010 में लगभग 64.889 करोड़ इंडिया ने एज अ फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर और अब यहीं पर हमने ज्योग्राफी पोर्शन को भी फिनिश कर लिया है। तो अब एक बार सम अप कर लेते हैं जो भी आज हमने पढ़ा है। सो वी स्टार्टेड आवर चैप्टर विद ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट्स को डिटेल में पढ़ा। हमने कुछ बड़े रोड प्रोजेक्ट्स जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना। देन फिर हमने पढ़ा कि रेलवेज में कैसे हम पैसेंजर्स ही उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। एंड देन पाइपलाइंस, और हम कह सकते हैं कि जो कि एक रिसेंटली डेवलप किया गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। फिर वाटरवेज के बारे में पढ़ा एंड देन फाइनली एयरवेज। उसके बाद वी जम्प्ड अप टू कम्युनिकेशन। तो वहाँ हमने दो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। देन ट्रेड को पढ़ा कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को थोड़ा सा जाना और किस तरह से हम ट्रेड को बैलेंस कर सकते हैं। एंड देन फाइनली टूरिज्म की किस तरह से इंडिया में ये इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है। सो दैट्स इट, बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।